चंद्रशेखर, आपने अभी जो कहा कि अलायंस होने से जीत सुनिश्चित नहीं होती, इसको मैं किस रूप में देखूं? इसका मतलब ये है क्या कि आप अलग से चुनाव लड़ेंगे, आप इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, आप ये कह रहे हैं क्या? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, अलायंस अगर पार्टियों का होगा तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, जनता का भी अलायंस होना चाहिए, जनता को भी जुड़ना चाहिए। और अलायंस इस उम्मीद से होना चाहिए कि हम जब जिस उद्देश्य के लिए निकले, हम देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, भाजपा को हराने के लिए, जनता की सरकार बनाने के लिए निकले हैं, तो हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा और वो फिर प्रयास एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, ना कि एक दूसरे को पीछे हटाने के लिए। मेरा इतना ही मत है इस बात को, और मैं थोड़ा सा विस्तार कर देता हूँ। जैसे आपने कहा कि आप क्या सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि जिस जनता से आप वोट लेते हो, चुनाव में उनके बीच जाते हो, चुनाव के बाद 5 साल नहीं जाते हो, जनता को तकलीफ होती है कि उनके मुद्दे सुनने वाला कोई नहीं, वोट बेकार हो जाता है, तो उनके बीच जाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जरूरी है जनता की जो समस्या, उनको सुनना पड़ेगा और उन पे वो जनता, उसी को वोट देनी है। मेरी वोट हो, प्रधानमंत्री जी की वोट हो, मुख्यमंत्री की वोट हो, सब एक ही काउंट होगी ना, तो वोट तो जनता को देनी है। उत्तर प्रदेश में क्यों आप लगातार घूमते रहते हैं, आपको क्या लगता है कोई भी विपक्षी दल जिसमें बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कोई जमीन पर जनता के बीच नहीं है, ये कह रहे हैं? देखिए, उस स्तर पे नहीं है जिस तरह की तैयारी बीजेपी ने की है, वो सत्ता में रहते काम कर रहे हैं, उस तरह की तैयारी नहीं है। और मैं फिर आपसे कहता हूँ, जब एक अच्छा विकल्प बनेगा और सब लोगों को महसूस होगा कि इसमें हमारी भागीदारी है, ये अगर ये विकल्प आगे बढ़ता है तो हमारे हितों की रक्षा होगी, हमारे अधिकारों की रक्षा होगी और सामाजिक और धार्मिक आज़ादी छीनी जा रही है बंद होगी, भाईचारा बनेगा, लोगों को तरक्की के अवसर मिलेंगे, रोजगार आएगा, जिन पर जमीन उनको जमीन मिलेगी। आपकी परिभाषा क्या है अच्छे विकल्प की, आपकी परिभाषा क्या है? क्योंकि अभी जो विकल्प बन रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें तो इंडिया गठबंधन में 3 दल सामने नजर आ रहे हैं बीजेपी के मिलकर, एक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी, उसमें आप भी नहीं है, उसमें बीएसपी भी नहीं है, तो वो अच्छा विकल्प क्या होगा? परिभाषा देखिए, मैं फिर आपको ये कहूंगा कि अगर एक विकल्प पिछली बार भी बना था, अगर आपके याद हो 2019 के चुनाव में कितनी सीटें जीत पाई आपके सामने, उस विकल्प में इनके साथ बीएसपी भी थी। मैं कहता हूं, जब आप भाजपा को हराने के लिए कर रहे हैं तो किसी को भी, कोई भी जगह, ऐसा कोई भी लूज पॉइंट मत छोड़िए जहां से भाजपा को फायदा हो। फिर आप कोशिश कीजिए हर उस सशक्त आवाज को, जो सशक्त आवाज सड़कों पर लड़ रही है, जिस तरह से भी, जिस सीट को भी, जब आपने, मेरी भी चर्चा हुई, जो एक डाटा आपने बनाया कि हम एवरी सीट जो है प्रिपेरेशन करेंगे, तो एवरी सीट जो उस सीट को उस हिसाब से कि भाई ना किसी को बहुत नुकसान और फायदे का भी ध्यान रखते हुए, जो जीतने वाला प्रत्याशी हो, अलायंस को भी मैं कहूंगा कि जीतने वाले प्रत्याशी को अगर अवसर देंगे तो मुझे लगता है कि भाजपा को हराना आसान है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं। और जातीय समीकरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा, एससी एसटी ओबीसी के लोगों की, माइनॉरिटी के लोगों की, मुस्लिम जैन सिख लोगों की भागीदारी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है कि अलायंस में आप टिकट जो देते हैं वो जातीय समीकरण ध्यान में नहीं रख के देते हैं। जैसे बीजेपी ने अभी क्या किया है, बीजेपी क्या पिछड़ों की हितैषी थोड़ा ही है, या दलितों की, या अगड़ों की हितैषी थोड़ा ही है? उन्होंने जो जाति अभी किया कि सभी पार्टियों के जो उनके सीनियर लीडर थे, जो केंद्रीय स्तर के लीडर थे, सेंट्रल स्तर के, उनको चुनाव लड़ाने भेजा, उनके समाज में संदेश दिया कि अगर ये आदमी आपको, आप जिता दोगे, इसको वोट करोगे तो ये मुख्यमंत्री बन सकता है, इस तरह का भ्रम फैला के उन्होंने वोट लिया। अभी जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए, या राजस्थान में बनाए, या छत्तीसगढ़ में बनाए, वो जातीय समीकरण ध्यान में रख के बनाए कि जिससे 2024 में इन वर्गों का वोट लेके और सरकार बनाई जाए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।